गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ऑफ कोर्स स्वागत तो हो गई। सो गाइस, मुझे पता है आप लोग बहुत इंजॉय करोगे मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, लेकिन मैं थोड़ा लेट आती हूँ, बहुत कम डालती हूँ वीडियोस क्योंकि मेरे को, लेकिन अब हमारे कॉलेज की पड़ चुकी है छुट्टियाँ, वो भी 8 दिन की। तो गाइस, इन डेज में जितने भी दिन हैं मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट वीडियो ज़्यादा बना सकूँ, और टाइमली वर्क भी करना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, असाइनमेंट करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना भी है। आप लोग एक चीज़ नोटिस तो कर ही रहे होंगे ना, नोटिस तो बहुत करते हो कि आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, मतलब यूनिफॉर्म से हटकर आज मैं कैजुअल में आई हूँ। सो गाइस, आप लोग थोड़ा तो थंबनेल देखकर तो पता लग चुका होगा कि आज का टाइटल क्या है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ एक बढ़िया सा वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने ट्रैवलिंग व्लॉग देख लिया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी देख ली होगी और कुछ इधर उधर की बातें भी देख ली होगी, और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, साथ में आपका फेवरेट सेगमेंट फोटो एडिटिंग पोजेस वाला बनाना भी, वो भी बता दिया है। लेकिन मैंने गाइस आप लोगों के लिए अभी तक तो कोई फैशन का कुछ, मतलब कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा फेस्टिवल भी आ चुके हैं और हाँ वेडिंग भी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एक ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, हाँ ऐसे वाला लुक पे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करो, व्यूज़ भी दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो गाइस, आपको इन एडवांस में हैप्पी दिवाली, और जो लोग मतलब अब भी देखेंगे, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले डालूंगी वीडियो, मतलब दिवाली से एक दो दिन पहले, ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए। सो गाइस, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ आपका बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और साथ में शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल वो भी मुफ्त। गाइस, थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आजकल मेरे जो फेस्टिवल्स आउटफिट्स है वो क्या होने वाले। बिल्कुल। और गाइस, मतलब मैंने इसमें आपको 3 आउटफिट्स लिए। बेसिकली मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती थी और आपको बोर करना नहीं चाहती, मैं आपको सिर्फ 3 टाइप का एक ड्रेस कोड का एक आइडियाज देना चाहती हूँ। फर्स्ट, जो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि चल क्या रहा है, गाइस मैंने इस पे एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक प्लाजो, उसके ऊपर मैंने ये सूट लिया है, और ये मैंने अपने टेलर से स्टिच करवाया है, और ये बहुत 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 प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो इस पे फोटोज़ भी कितनी प्यारी आ रही है। तो ठीक है, आप देख लो यार, आप देख ही लो, मतलब आप जी लो। जैसे कि आजकल की डेट में सूट और प्लाजो का बहुत 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 ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ये बात भी छूट नहीं है कि अनारकली जो मैंने पहना है, ये देखो जो मैंने पहना है ये भी किसी से कम नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, और दिवाली है और अनारकली नहीं है तो बस वाह यार, दिवाली अनारकली कितना प्यारा लग रहा है। दिवाली है और अनारकली ना पहनो तो लड़की किस बात की हो, बताओ। सो गाइस, मैंने ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा अनारकली पहना है, जो एक मैं अनारकली पहनना मतलब बहुत बहुत प्यारा माना जाता है, और कोई भी लड़की अगर अनारकली पहने ऑटोमेटिकली बहुत बहुत खूबसूरत लग जाता है, और अपने आप में ही लड़की एक डॉल लग जाती है, डॉल नहीं महारानी लग जाती है, नहीं रानी लग जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ट्राई ऑन में। सो गाइस, आपका लास्ट आउटफिट जो मैंने चूज किया है वो है ये, आप देख सकते हो एक खूबसूरत सा, मतलब मैंने एक साड़ी पहनी है, साड़ी मैंने किस स्टाइल पे पहनी है वो देखो। आजकल थोड़ा वेस्टर्न भी होना चाहिए ना, क्या थोड़ा हमेशा एक इंडियन लुक ही दो,
थोड़ा वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न का लुक दो ना थोड़ा, तो इसलिए मैंने रेड कलर की साड़ी चुराई है अपनी मम्मी के वार्डरोब से। यस, और साथ में मैंने जीन्स के साथ पेयर किया है और इसके साथ एक हॉट सा ग्लैमर सा अवतार धारण किया है। वैसे मैंने पहली बार ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है, तो बताओ बताओ कमेंट में मैसेज करके बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। अरे यार, ट्राई ऑन हॉली देख लो आप सिद्धा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए फटाफट से मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक करो, देखो और मस्त तरीके से रहो। और हाँ, आप लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं उन सब के लिए एडवांस में ही बधाई बधाई, चाहे भैया दूज हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, और बाकी वीडियो पे भी मैं डाल दूंगी, और बाकी डेज पे मैं वीडियो डाल दूंगी। सो गाइज, बाय बाय। नहीं, बाय बाय मैं कभी नहीं बोलूंगी। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप मेरे को मतलब मेरे चैनल को प्यार दो और मस्त तरीके से दिवाली वगैरह बनाओ। प्लीज़ गाइस, एक चीज़ एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग थोड़ा पटाखे वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि वैसे ही बीमारी दुनिया भर की आ रखी है, तो थोड़ा बी सेफ यार। आप लोग समझदार हो, आप मुझे पता है आप लोग समझदार हो होंगे ही। मिठाई वगैरह खाओ और साथ में मतलब जश्न मनाओ, डांस करो, डीजे लगाओ, तो मेरे इंस्टाग्राम को साथ में फॉलो भी कर लेना, जो कि ये है। यस, तो तब तक के लिए